शहर या शहर के बाहर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, चंद्रपुर, पुणे, यहाँ आरामदायी सफर की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद और पुणे में मिल रहे अच्छे प्रतिसाद के बाद अब बीटीपी टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओर से पुणे के लिए और एक बस की शुरुआत की गई है, जिसका आगाज सोमवार से हुआ। बीटीपी टूर्स एंड ट्रेवल्स हमेशा ही अपने यात्रियों को आरामदायी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है, जहां सर्वोत्कृष्ट सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। इसी कड़ी में बीटीपी टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओर से ग्राहकों के अच्छे प्रतिसाद के बाद पुणे के लिए और एक बस शुरू की गई है। नागपुर में सबसे बेहतरीन बसों में से एक ही बस हमेशा हमारे जहन में रहती है, वो है बीटीपी बसेस। अब तक दो ऐसी बसेस थी जो पुणे के लिए जाती थी, लेकिन लोगों की भारी डिमांड और लोगों की हजार बार गुजारिश करने पर बीटीपी ने अपनी तीसरी बस निकाली, जो कि दोपहर को 3:15 बजे निकलेंगी और अर्ली मॉर्निंग आपको पुणे पहुंचा देगी। और इसी के साथ आज थर्ड बस की लॉन्चिंग होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ सर कि बताइए आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मेरे सभी यात्रियों को नागपुर से पूना, पूना से नागपुर आने सभी यात्रियों का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें और एक मौका देने की हिदायत दी है। दूसरी बात, उन्होंने हमें ऑफर किया कि आप अर्ली हमारे को एक आफ्टरनून में एक बस दे दो, तो हमने 3:15 बजे एक बस शुरू की उनके लिए, जो मॉर्निंग में जल्दी से पूना पहुँचेगी, जैसे कि उनका ऑफिस का, कॉलेज का, पढ़ाई का या कोई भी ऑफिशियल या रेसिडेंस का कुछ काम हो तो जल्दी से वो अपना काम खत्म करके दोबारा वो नागपुर आ सकेंगे। उन्हीं प्रवासी से उनकी बातें सुन के हमने उनके लिए ये उनके सेवा में ये बीटीपी बसें शुरू किए। उन्हीं ने जो हमारे को सजेस्ट किया, उन्होंने जो बताया, उन्हीं के ऊपर हम लोग ने ये शुरू किया, तो हम लोग उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स थे जल्दी अर्ली मॉर्निंग ऑफिस पहुँचना पड़ता था, ऑफिस छूट जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात कि सहूलियत हो गई है स्टूडेंट्स को, सबको जल्दी पहुँचने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो हमें अभी बोला है पैसेंजरों ने कि भैया टाइमिंग हमें चाहिए, हम इस पर 100% खरा उतरने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट अजहर भाई पूरी इस पर जी जान लगा के पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम अब और बसेस आगे चालू करेंगे और खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले चंद्रपुर में भी लॉन्चिंग हुई थी बीटीपी बसेस की, और अभी पुणे के लिए थर्ड बसेस लॉन्च हो रही है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लगातार बीटीपी वो सर्विस दे रही है नागपुर शहर में जो आज तक नागपुर शहर ने कभी देखी ही नहीं है। नहीं, हमारी सर्विस काफ़ी अच्छी है और हम लोग पैसेंजर का पूरा ध्यान रखते हैं और उनकी जर्नी का पूरा कम्फर्ट का ध्यान रखते हैं, और हम लोग मतलब उनके लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं हम। हमारे लिए सबसे मतलब अहम है मस्त सर्विस, जो पैसेंजर को कोई मतलब सफ़र में कोई तकलीफ ना जाए। और इसी चीज़ की वजह से ये जो हमारे पास में डिमांड आई है हमारे पैसेंजरों की कि हमें अर्ली मॉर्निंग पूना जाना है और पूना पहुँचना है, और हमारी ऑलरेडी दो सर्विसेज है पूना के लिए, 1:45 बजे निकलती है, 1:45 बजे निकलती है, बट वो सुबह 8 या 9 बजे तक पहुँचती है। तो ये हमने उन्हीं के डिमांड पर, हमारे पैसेंजरों की डिमांड पर, तो ये हमने बस चालू की है अभी, जो अभी यहाँ से 3:15 बजे निकलेगी और अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे तक के टच करेगी बस, और आगे भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे। यस सर, ये जो बीटीपी ग्रुप है, जो बीटीपी ग्रुप के जो चेयरमैन है सिराज साहब, शेख साहब से, इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लाया है ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो रुकने वाला नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी सर यहाँ पे नहीं, आउट ऑफ स्टेशन है, अगर सर होते तो वो भी बहुत खुशियाँ मनाते, और उन्होंने जो हमारे को ये अपॉर्चुनिटी है, यही अपॉर्चुनिटी हम लोगों तक ला रहे हैं। बस आशीर्वाद दो कि हम आपके हमारे मकसद में कामयाब हो जाए। क्या बात है, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी सर, क्योंकि अब तक नागपुर शहर में ऐसी सुविधा आज तक नहीं मिली जो सुविधा बीटीपी यात्रा देता है। और सबसे खास बात यह है कि अब आप 3:15 की बस यहाँ से बीटीपी से पकड़ सकते हो और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग आप पुणे पहुँच जाओगे, जो कि नागपुर शहर में कहीं पर भी नहीं है सर। और हमारी लोकल में भी हमने मतलब कोशिश जारी रखी है, अभी हमारी चंद्रपुर भी बस चालू हुई है जो नागपुर चंद्रपुर मतलब हार्डली आपको 2.5 घंटे में नागपुर से चंद्रपुर टच करेगी, नॉन स्टॉप बसेज है हमारी। उसके बाद में अमरावती का भी हमारा प्लान है जो अभी मतलब 4-5 दिन में चालू हो जाएगा, उसके बाद में भी हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और मतलब पैसेंजरों की सुविधा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, हमारा बीटीपी ग्रुप हमेशा तत्पर रहेगा। थैंक यू। बीटीपी यात्रा आपका सफ़र सिर्फ आरामदायक नहीं बल्कि खूबसूरत भी बनाता है। आपके सफ़र का हम सफ़र, बीटीपी यात्रा।